हेलो, गुड इवनिंग। 5 फरवरी 2023 डेली जनरल नॉलेज क्विज़ का सेशन लेकर मैं हिमांशु, मेरे चैनल हिमांशु मिश्र एजुकेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और 15 क्वेश्चन है इस वीडियो में। आज संडे है, मैं जानता हूँ संडे को हम कोई सेशन अपलोड नहीं करते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन है। आप देखिए, SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और साथ के साथ जो कल सुबह मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन आएगा वो देखना ना भूलें। कल शाम को 4 बजे जो सेशन आएगा वो भी GK का सेशन देना ना भूलें। डेली आप जो है फॉलो कीजिए। संडे को आपका रेस्ट रहता है, लेकिन आज मैं संडे को मेरा सेशन रेडी था तो मैं आपके साथ आज उपस्थित हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी 2023 का सेशन। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं है? तो ये है सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। जल्दी जल्दी सेशन कंप्लीट करेंगे, आप एक जनरल ओवरव्यू लीजिए मेरे साथ। तो ये है सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर आकार में अवतल समुद्र के एक विस्तृत इनलेट को क्या कहा जाता है? अ वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजली कॉनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज अ खाड़ी। पानी की क्रिया के कारण तटरेखा का जल मग्न हो जाता है और विस्तृत इनलेट और अवतल आकार वाला ऐसा जल प्लावन खाड़ी कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो आकार में अवतल समुद्र है वो खाड़ी कहलाता है। पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहरें हैं जो पानी खींचती है, तो ये है सतलुज नदी। सतलुज जो है अपलावन नहरों की सर्वाधिक संख्या पंजाब में है, जिसे किसी विनियमित तंत्र जैसे बंदिकाओं इत्यादि के बिना अपने शीर्ष पर नदियों से निकाल लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग हैं? तो ये हैं एथेरेडियम और एस्कोगोनियम। एस्परजिलस के लैंगिक जननांग हैं एथेरेडियम और एस्कोगोनियम। अगला क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं पर ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिक निकट हैं और इसलिए हम अधिक मात्रा में प्रकाश प्राप्त करते हैं और इसलिए तीव्रता में मामूली बदलाव ध्यान देने योग्य नहीं है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तारों का टिमटिमाना अंतरिक्ष से आने वाले प्रकाश की धारणा में पृथ्वी के वायुमंडल के हस्तक्षेप के कारण होता है। दूसरी ओर ग्रह करीब है और कम टिमटिमाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा परावर्तित प्रकाश इतना दूर नहीं है और जब यह हमारे अशांत वातावरण से गुजरता है तो यह उतना नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कम मर्मज्ञ शक्ति है। देखो, प्रकाश की गति से यात्रा करें, परावर्तित या अपरावर्तित हो सकता है, फोटोग्राफी प्लेट्स को प्रभावित कर सकता है, ये तीनों सही हैं। सही क्या नहीं है? कम मर्मज्ञ शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए इसे स्थापित करने पर हर बार बदल जाता है, क्या बदल जाता है? बहुरूपी विषाणु। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से अपन यूज़ करते हैं तो ये जो विषाणु होते हैं ये हर बार चेंज करते रहते हैं अपने आप को, ताकि हमें पता ना चल पाए। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बहिस्त्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? तो करेक्ट आंसर है पार्थेनियम। जलकुंभी एक मुक्त रूप से प्रवाहमान बारहमासी जलीय पौधा है जो तेजी से बढ़ता है और कार्बनिक जल प्रदूषकों का जैविक रूप से परिमार्जन करता है। यह पौधा प्रदूषित पानी को 40% तक साफ करने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या है आपका आंसर? पार्थेनियम। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से एक को विश्व बैंक भी कहा जाता है? IMF, IBRD, विश्व व्यापार संगठन, IDA। करेक्ट आंसर है IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जा सकता है, IBRD। प्लेइंग इट माई वे नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है सचिन तेंदुलकर, इनके द्वारा लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे। निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्टेल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्टेल? तो यह है ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, विश्व में तेल का निर्यात करने वाले 13 राष्ट्रों का एक समूह है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। मैला पानी है, मैला पानी क्या है? किचन से निकलने वाला गंदा पानी जो है उसको बोलते हैं सलेज वाटर, मैला पानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, इनका मूल नाम था सुचेता मजुमदार। 25 जून 1908 से 1 दिसंबर 1974 एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही थी, सुचेता मजुमदार या सुचेता कृपलानी। विकल्पों में कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट, लैम्प ब्लैक, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। यह एंथ्रेसाइट जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर
जैन मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ये है राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर पांच मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही ज़िले के माउंट आबू नगर में स्थित है। कैसा लगा आपको ये 15 क्वेश्चन का जो छोटा सा सेशन था 5 मिनट का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। केवल जनरल ओवरव्यू लेने के लिए हम लोग ये सेशन अपलोड करते हैं, ताकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आपका माइंड एकदम अवेयर हो जाए कि आप सही दिशा में, अपनी सही डायरेक्शन में अपनी प्रेपरेशन लेके चल रहे हैं। संडे का दिन था, आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, हमारे पास सेशन रेडी था तो हम लोग ये ले आए। कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर का सेशन के साथ मुलाकात होगी। शाम 4 बजे जीके क्विज आपके साथ हम शेयर करेंगे। आई होप आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं सभी वीडियोस को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमें जो हमारा जो काम है उसे अप्रिशिएट करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। इंडिया के अंदर जितने भी लोग, जितने भी स्टेट्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। यही हम सभी की जो है वो एक एफर्ट, जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका जो रिज़ल्ट है वो यही है। आप सभी से यही हमारी रिक्वेस्ट है, और जुड़ते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए आप, और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।